स्वागत है आपका जमजम ऑटो लीग के एक और व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में मैं आपके लिए गाड़ी लेके आया हूँ अशोक लेलन दोस्त। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको इस गाड़ी के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले इस गाड़ी को चारों तरफ से देख लीजिए, फिर इस गाड़ी के हर एक साइड के डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी लेफ्ट साइड से दिखने में बहुत ही अच्छी कंडीशन की है और बहुत ही बढ़िया है, और ये पूरा मॉडिफाइड करवाया हुआ है। अब दोस्तों इस गाड़ी के बैक साइड को देख लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैक साइड से भी ये गाड़ी अच्छी कंडीशन की है और बढ़िया लग रही है। अब दोस्तों इस गाड़ी को राइट साइड से देख लीजिए। तो दोस्तों आप इस गाड़ी को राइट साइड से भी देख सकते हैं कि राइट साइड में भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और कोई भी इस गाड़ी को क्रैच वगैरह नहीं है। तो दोस्तों आप इस गाड़ी को देख सकते हैं कितनी बढ़िया और अच्छी कंडीशन की है। तो दोस्तों सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप फ्रंट में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अशोक लेलैंड का जो लोगो बनवाया हुआ है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर अशोक लेलैंड लिखा हुआ मिलेगा। और आप दोस्तों इस गाड़ी की लाइटें भी देख सकते हैं कि लाइटें कितनी बढ़िया और अच्छी कंडीशन की है। दोनों लाइटें आप देख लीजिए कि आपको ये गाड़ी की लाइटें कितनी अच्छी लग रही है। अब दोस्तों इस गाड़ी की और बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंट के मिरर के अंदर आपको जमजम ऑटो का लोगो मिल जाएगा, और उसके नीचे आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप कोई गाड़ी बेचना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी कोई भी गाड़ी बेच सकते हो। तो और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जो फ्लिप लगवाई हुई है वो भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया कंडीशन की है, और आप यहां पर ऊपर कैरियर भी देख सकते हैं कि जो जमजम ऑटो डील की तरफ से लगवाया हुआ है, और वो कितना बढ़िया लग रहा है और इस गाड़ी के लुक को कितना अट्रैक्टिव बनाता है। अब दोस्तों इस गाड़ी के राइट साइड की बात कर लेते हैं। तो आप दोस्तों इस गाड़ी को राइट साइड से भी देख सकते हैं कि ये गाड़ी राइट साइड से भी दिखने में बहुत ही बढ़िया और अच्छी कंडीशन की है, और आप यहाँ पर इसके व्हील के अंदर जो व्हील प्लेट लगी हुई है वो भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया और अच्छी कंडीशन की है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 4x4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिटार का निशान बनवाया हुआ है और ये कितना बढ़िया लग रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लैग है उसकी डिज़ाइन बनवाई हुई है, और वो कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया लग रही है। अब दोस्तों इस गाड़ी के डाले को भी देख सकते हैं कि इस गाड़ी का डाला कितना बढ़िया और अच्छी कंडीशन का है, और उस पर जो सनसेट की डिज़ाइन बनवाई हुई है वो भी कितनी बढ़िया और अच्छी लग रही है। और उसके ऊपर डाले के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन करवाई हुई है, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एसेसरीज़ लगवाई हुई है वो भी आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की एक्स्ट्रा एसेसरीज़ कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी लग रही है। अब दोस्तों इस गाड़ी के लेफ्ट राइट साइड की बहुत बात हो चुकी, अब दोस्तों इस गाड़ी के बैक साइड को भी देख लीजिए कि ये गाड़ी बैक साइड से भी कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया लग रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा वज़न कैरी करना चाहते हैं तो उसकी ये लकड़ों की मदद से आप एक्स्ट्रा वज़न कैरी कर सकते हैं, और यहाँ पर उस पर भी आपको डिज़ाइन मिल जाएगी, और जो पेंटिंग लगवाई हुई है वो भी कितनी बढ़िया लग रही है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका फालका है उसके ऊपर अशोक लेलैंड लिखा हुआ है, और यह उसके नीचे हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ है, वो सब पेंटिंग से लिखा हुआ है, और वो भी कितने बढ़िया और कितना अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ पर नीचे की चैनल को भी देख सकते हैं कि ये चैनल भी कितनी बढ़िया और गुड कंडीशन की है। अब दोस्तों इस गाड़ी के लेफ़्ट साइड की बात कर लेते हैं। तो आप दोस्तों इस गाड़ी को लेफ़्ट साइड से भी देख सकते हैं कि जैसी राइट साइड में पेंटिंग है वैसी ही लेफ़्ट साइड में भी पेंटिंग करवाई हुई है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा एसेसरी लगवाई हुई है वो भी कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी लग रही है। और दोस्तों इस गाड़ी के चैचिस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं चैचिस के अंदर भी कोई काट वगैरह नहीं है, कोई जंग लगा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल हमने नया करवाया हुआ है और उस पर कलर लगवाया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको इस गाड़ी के चारों टायर बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी का पहला टायर है वो भी बहुत ही अच्छी कंडीशन का है, और उस पर आप व्हील प्लेट भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी है। अब दोस्तों इस गाड़ी का दूसरा टायर बता देता हूँ। तो दोस्तों इस गाड़ी का दूसरा टायर भी देख सकते हैं कि दूसरा टायर भी बहुत ही बढ़िया और अच्छी कंडीशन का है, और उस पर भी व्हील प्लेट लगी हुई है, वो कितनी बढ़िया लग रही है। अब दोस्तों इस गाड़ी के तीसरा टायर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इस गाड़ी का तीसरा टायर है वो भी अच्छी कंडीशन में है। अब दोस्तों इस गाड़ी के चौथे टायर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
कि इस गाड़ी का चौथा टायर है वो भी अच्छी कंडीशन का है और उस पर भी व्हील प्लेट लगी हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस व्हील प्लेट की वजह से आप इस गाड़ी को कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी कंडीशन में देख सकते हैं। अब दोस्तों इस गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मैं इस गाड़ी का इंटीरियर भी बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डोर की कंडीशन कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी है और उस पर कोई तरह का स्क्रैच वगैरह नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के सीट के कवर भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के लगवाए हुए हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा सीट भी मिल जाएगी जो बहुत ही बढ़िया और अच्छी कंडीशन की है। और आप ये दूसरे सीट के कवर भी देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे और कितने बढ़िया है। और आप यहाँ पर इंटीरियर भी देख सकते हैं कि इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छी कंडीशन का है। और आप यहाँ पर पीछे इसकी विंडो देख सकते हैं कि जिसकी मदद से आप पीछे का लुक आसानी से देख सकते हैं। और आप यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर के इंटीरियर ऊपर के इंटीरियर को भी देख सकते हैं कि ऊपर का इंटीरियर भी बहुत ही अच्छी कंडीशन का है। तो दोस्तों इसके इंटीरियर की बहुत बात हो चुकी, अब दोस्तों मैं आपको इस गाड़ी का मॉडल और इस गाड़ी का प्राइस बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर इस गाड़ी के मॉडल की बात की जाए तो इस गाड़ी का मॉडल 2014 का है। और अगर दोस्तों इस गाड़ी के प्राइस की बात की जाए तो जमजम ऑटो डील पे इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपये रखा हुआ है। तो अगर दोस्तों इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो अभी आपको हमारी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कॉल करके इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।